दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि भगवान शिव हम सब के प्रमुख देवता है। वे निराकार है, निर्गुण है, संपूर्ण है। फिर भी हर इंसान को अपने जीवन काल में कभी ना कभी ये सवाल दिमाग में आया ही होगा कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई, महादेव का जन्म कैसे हुआ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भगवान शिव की जन्म की ठोस जानकारी किसी भी ग्रंथ या पुराणों में नहीं मिलती, लेकिन पुराणों में तो ऐसी कहानियां मिलती है जिसके आधार पर हम महादेव के जन्म के रहस्य का अनुमान लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं उन रोचक कथाओं की तरफ जिन्हें कोई अल्लाह कहता है तो कोई गॉड। जब इस निराकार स्वरूप ईश्वर भगवान शिव को सृष्टि की रचना करनी थी तो उन्होंने भगवान विष्णु को जन्म दिया और भगवान विष्णु को तप करने के लिए कहा। जब भगवान विष्णु को तप कर रहे थे तब उनके चारों ओर क्षीर सागर का निर्माण हुआ। वैसे ही भगवान विष्णु के मध्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा भी तप करने लगे। फिर कई लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए और जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव की आँख खुली तब दोनों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो गई कि उन दोनों में से कौन प्रथम इस संसार में आया तथा उन दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। विष्णुदेव का कहना था कि ब्रह्मदेव की उत्पत्ति उनसे हुई है, लेकिन ब्रह्मदेव यह मानने से इनकार कर रहे थे तथा वे विष्णुदेव से कह रहे थे कि विष्णुदेव की उत्पत्ति उनसे हुई है और वे ही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मदेव और विष्णुदेव की यह बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों में युद्ध शुरू हो गया। विष्णुदेव और ब्रह्मदेव दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे, इस कारण उनका यह युद्ध करीबन 10,000 वर्षों तक चलता रहा। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव का यह युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था तब भगवान शिव एक अनंत ऊर्जा के स्तंभ के रूप में उन दोनों के बीच प्रकट हुए और तभी आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों में से जो कोई पहले इस ऊर्जा स्तंभ का आरंभ या अंत पालेगा वो ही सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। ये आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु ऊर्जा स्तंभ के नीचे की तरफ गए और ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ। जब कई साल बीत गए और विष्णुदेव को उस स्तंभ का ना अंत मिला ना ही आरंभ, तब विष्णुदेव अपने मूल स्थान पर आ गए और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आप अनादि है, अनंत है, आपके स्वरूप का अंत ढूंढना मेरी मूर्खता थी, मुझे क्षमा कीजिए भगवान, मैं आपका स्वरूप जान चुका हूँ। दूसरी तरफ ब्रह्मदेव निरंतर ऊपर की तरफ प्रवास कर रहे थे। वे किसी भी हाल में स्वयं को भगवान विष्णु से श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी इस स्तंभ का ना आरंभ मिल रहा था ना ही अंत मिल रहा था। काफी थक जाने के बाद जब ब्रह्मदेव निरंतर ऊपर की तरफ प्रवास कर रहे थे तब उन्हें रास्ते में एक धतूरे का फूल दिखा। ब्रह्मदेव ने उस फूल से कहा कि मैं तुम्हें भगवान शिव के पास ले जाऊंगा और उन्हें कहूंगा कि मुझे इस ऊर्जा स्तंभ का आरंभ मिल गया है और इस बात के तुम चश्मदीद गवाह हो, तब तुम सिर्फ इस बात के लिए अपनी स्वीकृति देना और इस बात के लिए मैं तुम्हें सृष्टि में एक उच्च स्थान प्रदान करूंगा। तब धतूरे का फूल इस बात के लिए राजी हो गया। तब ब्रह्मदेव उस फूल को लेकर भगवान शिव के पास आए और उन्होंने भगवान शिव से कहा कि मुझे इस स्तंभ का आरंभ मिल गया है और यह फूल इस बात का गवाह है। ब्रह्मदेव की यह बात सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा कि इस ऊर्जा स्तंभ का ना कोई आरंभ है ना ही कोई अंत है, मैं अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, चराचर हूँ, व्यापक हूँ, मैं ही संपूर्ण हूँ, मैं ही अपूर्ण हूँ, सत्य भी मैं हूँ, असत्य भी मैं हूँ, ज्ञान भी मैं हूँ, अज्ञान भी मैं हूँ, भाव भी मैं हूँ, अभाव भी मैं हूँ, शक्ति भी मैं हूँ, भक्ति भी मैं हूँ, जो कुछ भी नहीं है वो मैं हूँ और जो सब कुछ है वो भी मैं ही हूँ। भगवान शिव की यह बात सुनकर ब्रह्मदेव को अपनी भूल का बोध हुआ, लेकिन इस अपराध के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया कि उन्हें इस सारे संसार में कहीं भी कोई भी नहीं पूजेगा। इस प्रसंग के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने भगवान शिव से यह विनती की कि वे उनके साथ ही एक साकार रूप में रहे। तब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव की विनती को मान देते हुए
उस ऊर्जा स्तंभ से भगवान शिव ने अपने साकार रूप को प्रकट किया। वैसे ही दोस्तों, पुराणों में और एक कहानी है जिसके अनुसार एक ऋषि ने महादेव से पूछा कि उनके पिता कौन हैं। तब महादेव ने जवाब दिया कि ब्रह्मदेव ही उनके पिता हैं। ऋषि ने फिर पूछा कि ब्रह्मदेव के पिता कौन हैं? तो महादेव ने जवाब दिया कि भगवान विष्णु ही ब्रह्मदेव के पिता हैं। इस जवाब के बाद ऋषि ने फिर से पूछा कि विष्णुदेव के पिता कौन हैं? तब महादेव ने बताया कि वे स्वयं ही विष्णुदेव के पिता हैं। महादेव की यह बात सुनकर ऋषि भ्रमित हो गए और ऋषि को यह बात समझ आ गई कि महादेव के जन्म का रहस्य जानना असंभव है। तो दोस्तों, आपको महादेव के जन्म से जुड़ी ये दोनों कहानियाँ कैसे लगी, ये प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और ऐसी नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।